जय माता दी। दोस्तों, कन्या राशि वाले व्यक्तियों से दोस्ती करने से पहले जान लो ये 5 बातें, नहीं तो हाथ लगेगा सिर्फ धोखा। कन्या राशि का कड़वा सच। आज मैं आपको कन्या राशि के जातकों से जुड़ी ऐसी 5 बातें बताने जा रही हूँ, जिन्हें यदि आपने जान लिया तो समझ लो आपने कन्या राशि वाले जातकों के आचार व्यचार स्वभाव पर PhD कर ली। तो आइए जानते हैं कौन सी है वे पहली स्थिति, इसे आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि कन्या राशि के जातकों के स्वभाव से संबंधित जीवन में ना मिले देखने को धोखा, तो भूलकर भी इनके सामने मूर्खता पूर्वक व्यवहार ना करें। जी हाँ, आप सभी लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि कन्या राशि के स्वामी बुध देव होते हैं, जो कि बुद्धि के कारक देव हैं। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के अंदर अपार बुद्धि की मात्रा पाई जाती है और ये स्वयं भी बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। और साधारण सी बात है, यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति के सामने कोई मूर्खता पूर्ण व्यवहार करे तो वह उसे कतई बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए आपको चाहिए कि कन्या राशि के जातकों के सामने कभी भी किसी भी प्रकार का मूर्खता पूर्वक व्यवहार ना करें। दोस्तों, बात करें दूसरी स्थिति की, तो कन्या राशि वाले जातक बहुत ही बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत हंसी मजाक करने वाले भी होते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना इनकी पसंद होती है और अपने हंसी मजाक के नेचर के चलते ही ये अपने दोस्तों से मजाक भी कर बैठते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि कन्या राशि के जातकों के साथ किए गए हंसी मजाक का आप कभी भी बुरा ना माने। जी हाँ, ये लोग हंसी मजाक अवश्य कर लेते हैं, किंतु हंसी मजाक के पीछे इनकी कोई बुरी मंशा नहीं होती। एवं कन्या राशि वालों के स्वभाव के बारे में शास्त्र मत ऐसा माना गया है कि ये अपने शत्रु का भी बुरा नहीं सोच पाते, और जब शत्रु का बुरा नहीं सोच पाते तो अपने साथी का बुरा समझे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तीसरी स्थिति के अनुसार, यदि आप चाहते हैं कि कन्या राशि के जातकों के साथ जीवन में कभी भी ना मिले व्यवहार पूर्वक देखने को धोखा, दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों के साथ आप चाहे जितना मजाक कर ले, किंतु कभी भी भूलकर इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास ना करें। जी हां, कन्या राशि वाले जातकों के लिए इनका आत्मसम्मान इनका भगवान होता है, और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दे, फिर चाहे वे व्यक्ति इनके घर का सदस्य ही क्यों ना हो, ये धीरे धीरे कर उससे दूरियां बना लेते हैं और सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि कन्या राशि के जातक ने हमें दे दिया है धोखा। इसके पश्चात यदि एक और स्थिति में आप चाहते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों से आपको कभी भी ना देखने को मिले धोखा, तो दोस्तों आपको बनना होगा टाइम और जुबान का पक्का। जी हां, कन्या राशि वाले जातकों को टाइम और जुबान के कच्चे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, और इसके पीछे का कारण है कि कन्या राशि वाले जातक स्वयं भी टाइम और जुबान के पक्के होते हैं, और इसी व्यवहार की उम्मीद वे अपने मित्रों से भी करते हैं। टाइम का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो चलता है, लेकिन यदि कोई जुबान का कोई व्यक्ति इनके सामने पक्का ना निकले तो फिर उस व्यक्ति से इनको पल्ला झाड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता, और सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि कन्या राशि के जातक ने हमें दे दिया है धोखा। और अंतिम स्थिति अनुसार ये देखा गया है कि कन्या राशि के जातक बहुत ही नरम और शांत स्वभाव के होते हैं, और इनके इसी नरम और शांत स्वभाव को देखकर लोग इनका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, भूलकर भी यह मत भूलिएगा कि कन्या राशि के जातक बुध होते हैं और बुध बुद्धि के कारक हैं। ऐसे में शास्त्र कहता है कि आप एक शक्तिशाली व्यक्ति से तो लड़ सकते हैं, किंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति से एकाएक हर कोई नहीं लड़ पाता। शक्तिशाली व्यक्ति को यदि आप स्वयं नहीं तो किसी और की सहायता लेकर आप पराजित कर सकते हैं, किंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है इसे एकाएक कोई नहीं जान सकता। शास्त्र मत अनुसार कन्या राशि वालों की बुद्धि को चाणक्य बुद्धि का नाम दिया गया है, और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इनको धोखा दे दे तो ये अपने चाणक्य बुद्धि के दम पर सामने वाले व्यक्ति को ऐसे हालात बना देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति पनाह मांग ले। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के स्वभाव से संबंधित जीवन में हमें नाम देखने को मिले धोखा, तो भूल से भी इनका गलत फायदा उठाने का प्रयास ना करें। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 बातें जिन्हें यदि आपने जान लिया तो कन्या राशि वाले जातकों के स्वभाव से संबंधित जीवन में कभी नहीं देखने को मिलेगा धोखा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।